कैसे हो आप लोग। वीडियो नंबर 11 होने वाली है मैथ्री सीरीज की, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सी वीडियोस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इफ 2 sin a + 15 cos² इज इक्वल टू 7, देन a की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है टेन ए कॉस ए प्लस सेक ए। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं जिसमें अंडर रूट ना हमें देखने को मिले, तभी तो 7 मिलेगा। तो अगर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, 45 पे होगा नहीं, 60 पे भी नहीं होगा, और ये 90 पर भी नहीं होगा, 0 पर भी नहीं होगा, 30 पे देखते हैं इसको लगा करके। 30 पे करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 15/4 और ये 1/2, 7 तो नहीं आएगा। चलो नहीं आ रहा है तो देसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको साइन में चेंज कर देते हैं। इसको साइन में चेंज करेंगे तो 1 - sin² थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 sin² थीटा, मतलब sin² a, यहाँ पर a की बात चल रही है तो ये a आ जाएगा, और -2 उधर जा जाएगा तो -2 sin a, और उसके बाद 15 में से 7 माइनस होगा तो दैट इज 8 बचेगा, वो भी -sin का। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटू करने पर हमारे पास 120 आना चाहिए और माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो क्या आ सकता है, 12 और 10। ठीक है, 12 और 10 यही होगा। ठीक है, और साइन किसका आएगा, यहाँ पर ये आएगा माइनस का और यहाँ पर आएगा प्लस का। ठीक है, फिर इसके बाद 15 अपॉन में चला जाएगा जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और फिर ये ब्रैकेट के उस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में और ये आ जाएगा हमारा माइनस में। जो साइन ए की वैल्यू वो माइनस में तो होगी नहीं, वो प्लस में ही होगी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, मतलब साइन ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4/5। अगर 4/5 साइन साइन की वैल्यू है तो कॉस की क्या हो जाएगी, आप बोलोगे कॉस की हो जाएगी 3/5, और टेन की क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 4/3। ठीक है, सेक की क्या हो जाएगी, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा मतलब 5/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा तो हमारा 15 15, और यहाँ से आ जाएगा ये 5 20, और यहाँ से आ जाएगा ये 9, और यहाँ से आ जाएगा ये 25। ठीक है, तो ये 40 और 14, 40 14 54। ठीक है, 40 14 54 / 15 किससे कट हो, 3 से कट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा दैट इज 8, 18/5। 18/5 का मतलब ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स इज अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12.8 एंड 64.8 एंड वाई इज अ थर्ड प्रोपोर्शन टू 38.4 एंड 57.6, देन 2x ratio y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है, जैसे दो दो का लिखा हुआ मीन प्रोपोर्शन, तो किस तरीके से निकालते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ए बी, इन दोनों का निकालना है तो अंडर रूट ए बी। ठीक है, और थर्ड का कैसे निकालते हैं, थर्ड का इस तरीके से दिया होता है ए बी और बी सी। ठीक है, इस तरीके से थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सी वाला निकालना है, तो सी इज इक्वल टू हो जाता है b² / a। तो डायरेक्ट हम ये करने वाले हैं मीन प्रोपोर्शन में, हम ये करने वाले हैं जो कि हमारे यहाँ पर दिया गया, और थर्ड प्रोपोर्शन में हम लोग ये करने वाले हैं। ठीक है, और जब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है तो किस तरीके से होता है, ए बी और सी डी, इस तरीके से होता है, तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, तो हमें ये निकालना होता है ट्रांसपोज कर करके। ठीक है, तो मैं वहां 3 वैल्यू दी 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 गई होती है जब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है। अभी थर्ड प्रोपोर्शन ही निकालना है, तो अगर यहाँ पर बात करें, इन दोनों का अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट लेना है, तो अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज 64, और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, होता है 32 और 6 हो जाएगा, और 0.2 ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको लिख सकते हैं 64, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये अगर यहाँ से 2 से करते हैं, 4 से चला जाएगा ये, 4 से ठीक है चला जाएगा, तो 4 से कर लेते हैं, तो 4 यह जाएगा 1 और ये हो जाएगा 24 24, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है,
फिर इसको करते हैं, दो से ये हो जाएगा दो आठ और ये एक, फिर यहाँ पर करते हैं तो तीन की पावर ये कितनी बार जाएगा, तीन की पावर चार बार जाएगा, ठीक है। तो इसका ये आ गया, तो हम यहाँ पर बेसिकली ये लिख सकते हैं, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 0.2, ये लिख सकते हैं ना इसको। यहाँ पर 4 को लिख दिया हमने 2 की पावर 2 और 0.2 ही लगा दिया, और 3 की पावर 4 0.2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 0.8 था और यहाँ पर 0.8 था, इसलिए हमने यहाँ पर। अब इनका मीन प्रपोर्शन लिखना है, बेसिकली हमने किया क्या है, इसको हमने ये लिख दिया है और इसको हमने ये लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें अंडर रूट चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये एक तो ये आ गया, ठीक है, समझ में आता है। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारी एक्स की वैल्यू, ठीक है। वाई की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वाई क्या है हमारा, वाई है इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन अभी हमने बताया था बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, सी इस तरीके से निकालते हैं। तो बी स्क्वायर 57.6 इंटू 57.6 अपॉन 38.4, ये हो गया। देन अभी यहाँ पर 2x रेशियो y निकालना है, तो y तो ये हो गया, x ये हो गया, इसके आगे हम 2 और कर देते हैं, तो हमें यही जो आएगा रेशियो बेसिकली वही हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 और यहाँ पर ये हो जाए, यहाँ से ये देगा हमें 2 की पावर 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये 0.2 और 0.2 दो बार है अंडर रूट के अंदर है, तो एक बार 0.2 बाहर आ जाएगा। इसमें सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 2 की पावर 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सिर्फ 2 और यहां से आ जाएगा 3 की पावर 2। आई होप ये आपको निकालना आता होगा अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देख लो अगर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो आप बताओ यहाँ पर कितना देगा, 576 इंटू 57.6 अपॉन 384, ठीक है। अभी प्रोपोर्शन में चल रहा है, तो यहां से ये पॉइंट हम हटा सकते हैं, बिल्कुल आप हटा सकते हैं इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल यहां से अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो ये आता है हमारे पास, और इधर से हमारा ये आता है, बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 9 है, 9 से ये कुछ कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है, तो ये 9 से इसको कट कर देते हैं, तो 9 9 6 54 54 हो गया, और 9 4 36 हो गया, बिल्कुल। फिर इसके बाद कट करते हैं, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है, 2 की पावर 6 आया यहाँ पर आ रहा है, ये 3 4 5 6, तो बिल्कुल आ रहा है। तो ये पूरा जो है ये कट जाएगा हमारा 64 से, क्या बचा 384 रेशियो 576। फिर इसको कट कर देते हैं, ये किससे कट हो रहा है, 6 से कट होता है ये, तो 6 बिल्कुल, ये तो 6 से कट होता है, ये 6 4, ये भी कट होता है, तो 6 6 36 बचा 2 6 4 24, तो ये 64 आ गया। इधर करते हैं तो 6 6 9 54 और 3 बचा 6 6 36, तो ये 96 आ गया। फिर इसको देख लेते हैं किससे कट हो रहा है, तो ये 4 से कट होता है, बिल्कुल 4 से कट होता है, तो 4 1 और 4 16, 16 हो गया। और इधर ये किससे कट होता है, 4 से कट हो रहा है, तो 4 और ये 14, ओके। यहाँ पर 14 नहीं 24 आएगा, कुछ गलत हो गया यहाँ पर, 24, ठीक है, तो यहाँ पर 24 हो गया। फिर इसको कट करते हैं, तो दैट इज आएगा ये हमारा 2 और ये 3, अगर 8 से कट करते हैं, तो 2 रेशियो 3 हमारा जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा, मतलब कि बी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है आर रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस आर 440 एंड 506 मीटर रिस्पेक्टिवली, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग सॉरी लेवलिंग द ट्रैक एट 6 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर रिंग की तरीके से ये ट्रैक है, इनर का जो दिया हुआ है सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर दी गई है, 2 पाई आर कितने दी गई है, 440 दी गई, और इसकी दी गई हमें 506 दी गई है। तो यहाँ पर इसकी रेडियस निकालने, पहले तो रेडियस निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ये करना पड़ेगा, और साथ ही साथ कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ पर 6 करना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो यहाँ पर बेसिकली फाइनली हमें ये करना पड़ेगा। उसके लिए हमें आर पता होना चाहिए, तो यहाँ पर ये अभी अभी के लिए 22/7 रख लेते हैं, हो गया 22/7, उठा करके यहाँ पर आर की वैल्यू निकालते, तो 2 पाई R1, R1 की वैल्यू हमें 440 दी गई, ये हो जाएगा 22/7, और R1 की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली 70। R2 की वैल्यू हम निकाल लेते, तो 2 पाई R2 कितना दिया गया है, 506 दिया गया है,
तो 506 दिया, ये हो जाएगा 22/7, और 22 से ये कट कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है, तो 22 से ये कट होगा, तो यहाँ से ये 2 बचेगा और अपॉन 7 आ जाएगा, ठीक है। और इसको ये 11 से कट होगा, तो ये 11 4 जा 44, 11 6 जा, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद फिर इसको कैंसिल आउट किया तो हो गया 23, और इंटू करके 7 से इसको इंटू करके 2 से डिवाइड कर दे, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 कैरी 14 16, 16 16 अपॉन 2, ये आ जाएगा 80.5। तो ये हो जाएगी हमारी 80.5, आई होप समझ में आ रहा होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, a²-b² का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a-b और a+b आएगा, मतलब एक बार दोनों इसको प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना, तो एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, तो क्या आता है 70 8 16 15, तो 15 05 10, और पॉइंट भी हटा देते हैं तो ये आ गया। फिर उसके बाद माइनस कर देते हैं तो 105 10 6, और ये हो जाएगा 22/7। कैंसिल आउट कर देते हैं तो 7 1 कम, और ये 35 15 हो गया। फिर उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 11 11 से कट करते हैं तो 11, और ये हो जाएगा हम सॉरी 2 से कट कर रहे हैं तो ये 11 हो गया, और ये 5 हो गया। इसको कट करते हैं तो ये हो गया हमारा 5 3, फिर इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 नहीं सॉरी 3, और ये हो गया 5। फिर इसको कट करते हैं तो 5 5 5 3 और 301 हो गया, ठीक है। ये 9 हो गया, 9 के बाद फिर ये 9 हो गया, इसका मतलब ये जो यूनिट डिजिट है वो हमारी 9 बनने वाली है। तो जब भी बड़ी कैलकुलेशन आती है तो वहां पर हमेशा ही ऐसा होता है कि कुछ सहारा मिल जाता है यूनिट डिजिट या और डिजिटल सम का, तो यहाँ पर अभी यूनिट डिजिट 9 आने वाली है, तो इसका मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पर ए राइट ऑप्शन होगा, थर्ड का ए राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कहता है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो बी कितने दिन में करेगा, हमें ये वैल्यू बतानी है। तो ए 40 दिन में करता है, ठीक है, ए 40 दिन में करता है। आगे हमें बताता है कि बी है वो कितना एफिशिएंट है ए से, 25 ज्यादा है, तो 25 का मतलब होता है 25/100, इसका मतलब होता है 1/4, इसका मतलब होता है कि जो बी है वो एक दिन में 5 काम करता है, तो एक एक दिन में कितने काम करता है 4, इसका मतलब बी ज्यादा काम करता है। यहाँ पर क्या लिखा था, बी 25% मोर है, तो बी वाला ज्यादा होगा, तो बी अगर एक दिन में 5 बनाता है और ए एक दिन में 4 बनाता है, इसका ये मतलब हुआ। अब यहाँ पर एक दिन की बात क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी की बात की गई, और जब भी इफिशियंसी की बात की जाती है तो चाहे इफिशियंसी बोलो और चाहे वन डे वर्क बोलो, ठीक है, अगर डे में काम हो रहा है तो डे के लिए, अगर यही आर में काम होता तो आर के लिए बोलते हैं कि 1 आर में इनका कितनी बना सकते हैं। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि बी जो है एक दिन में 5 बना सकता है और ए एक दिन में 4 बना सकता है, बिल्कुल। फिर उसके बाद ए और सी में हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए ए और सी सेम ही करने वाले हैं, ए और सी का ए सॉरी सी और बी का सी और बी का बात हो रही, तो सी और बी की अगर बात हो रही तो 28% ज्यादा है सी, तो 28% का बेसिकली मतलब है 18/100। इसको कैंसिल आउट अगर करते हैं तो ये 14 से जाएगा, मतलब 4 से कर देते हैं इसको, तो 4 9 नहीं 4 7 28 और 4 ये 25, तो यहाँ पर इसका मतलब है ये 25 है और ये हमारा है ज्यादा है, तो सी ज्यादा है तो कितना ज्यादा है 7 ज्यादा, तो इसका मतलब 32। तो अभी हम एक दिन का ही काम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एफिशिएंसी की बात हो रही थी और यहाँ पर भी एफिशिएंसी की बात हो रही थी। अभी हम ये फिर से ये चीज बोलते हैं कि बी एक दिन में 5 काम करता है, तो एक सॉरी बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, तो ए एक दिन में 4 चेयर बनाता है, ठीक। फिर हम बोल रहे हैं कि सी एक दिन में 32 चेयर बनाता है और बी एक दिन में 25 चेयर बनाता है, तो ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर 5 था बी का और यहाँ का 25 है, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर 5 से इंटू करना पड़ेगा और तो यहाँ पर भी 5 से इंटू करना, तो ये 25 हो गया और ये हमारा 20 हो गया। अब हम ये बोल सकते हैं कि बी एक दिन में यहाँ 25 चेयर बनाता है, ए 20 चेयर बनाता है, सी 32 चेयर बनाता है, बी
25 शेयर बनाते हैं। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि ए बी सी का रेशियो ले लिया है, इफिशियंसी का रेशियो ले लिया है जो कि हमारा ये है। अब बोलोगे बिल्कुल यहां से देख करके हमने लिख दिया, ए का कितना है 20 है, बी का कितना है 25 है और सी का कितना है 32 है। ये इफिशियंसी का रेशियो ले लिया है, बेसिकली कंबाइंड रेशियो ले लिया है, हमें दिया हुआ था अलग अलग रेशियो, क्योंकि अब यहां से चीजें आसान होने वाली है। क्या होने वाली है, ए एक दिन में 20 शेयर बनाता है और 40 दिन काम करता है, ठीक है, तो कितना काम कितनी शेयर बनाएगा। तो आप बोलोगे अगर ए जो है एक दिन में 40 शेयर बनाता है तो सॉरी एक दिन में 20 शेयर बनाता है, यहाँ पर 20 शेयर है ना, तो 40 दिन में कितनी बनाएगा, तो 40 दिन में आप बोलोगे कि 800 शेयर बनाएगा, ठीक है 800 हो गया। फिर उसके बाद कहता है कि दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज, ये सारे जितने हैं वो मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में ये पूरे कितनी शेयर बनाते हैं। तो आप बोलोगे एक दिन में ए बी सी तीनों मिलके कितनी चेयर बनाएंगे, तो ये आप बोलोगे 77 बनाएंगे। तो 5 दिन में कितनी बनाएंगे, 5 से इंटू कर दोगे, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा 38, ठीक है। तो 38 चेयर बन चुकी हैं 800 में से, तो रिमेनिंग वाली तो बतानी थी बी कितने दिन में करेगा, तो रिमेनिंग वाली यहाँ से निकाल लोगे आप, बिल्कुल निकाल लोगे, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, 415 अभी चेयर बची हुई है। 415 जो चेयर होंगी वो कौन बनाने वाला है, वो हमारा बी बनाने वाला है, और कितने दिन में बनाएगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो कितने दिन में बनाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का डे, यहाँ पर मैं बेसिक भी बता देता हूँ, डे अपॉन वन डे वर्क बोलो या इफिशियंसी बोलो, डे अपॉन इफिशियंसी या वन डे वर्क। तो डे कितना है हमारा, उल्टा लिख दिया, तो यहाँ पर बेसिकली ये डे आएगा और ये वर्क आएगा, उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पर ये डे निकालना है, तो ये हो गया वर्क, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, पहले वाला नहीं था ये था। तो इतना वर्क है 415, एक दिन का वर्क कितना है बी के लिए निकालना, तो ये हो गया 25, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 5 से कट कर दो 5 8 और ये आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पर आ गया 5, तो 83/5 इतने दिन लगेगा बी को करने के लिए काम, और ये हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये यूज होता रहता है, ठीक है। यूज क्या है, अब टाइम एंड वर्क में चल रहा है तो ये तो आएगा ही, तो ये हो गया फोर्थ का हमारा ए ऑप्शन हो गया 83/5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि ए डी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये भाई परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है, प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, ये AD perpendicular BC दिया हुआ है, where D lies on BC. If AD is equal to 4√3 centimeter, perimeter हमें निकालना है, तो डायग्राम से अगर आपको बताएं, वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। ABC, AD की वैल्यू हमें दी हुई है 4√3। अब अभी बताओ अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये A होगा, ये A होगा, ये A होगा, ठीक है। अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AD perpendicular है BC पे, तो आप बोलो ये कितना होगा, आप बोलोगे A by 2 होगा। अगर ये a बाई टू होगा तो आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, ए डी सी में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पाइथागोरस लगा करके, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर मतलब 3a² / 4 मतलब कि √3/2a। इसका मतलब ये है कि √3/2a ये क्या है, ad की वैल्यू है जो कि हमारे पास पहले से दी हुई है 4√3, तो ये हो गई 4√3। यहाँ से a की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी, अगर a की वैल्यू यहाँ से 8 है, ये 8 है और ये 8 है, तो आप पेरीमीटर नहीं बता सकते हो, कितना पेरीमीटर आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसका मतलब सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सीमा फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द कॉस्ट प्रोडक्शन गोज अप बाय 20% एंड सी राइजेस द सेलिंग प्राइस By 10%, then her percentage profit is, परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दिया क्या हुआ है, बेसिकली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बात हो रही है। 25% है सेलिंग प्राइस, 25% है सेलिंग प्राइस जो है वो 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो 25% का बेसिकली मतलब होता है हमारा 25/100, कट करोगे मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 का लाया था, 4 का कॉस्ट प्राइस थी तो 1 बढ़ा करके 5 का बेच रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो 5 का बेच रहा है 4 का लाया था, इसका मतलब यही तो हुआ।
ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि कॉस्ट प्राइस को उसने बढ़ा दिया है 20% से, तो 20% का मतलब क्या है, 20% बढ़ा दिया है, तो कितना बढ़ा दिया, 4 और 20%, परसेंट मतलब 100, यहाँ पर मैं एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आ गया 4.8, इसको सॉल्व करोगे 4 + 4/5 को, तो 4.8 आएगा, तो यहाँ पर 4.8, वैसे ये करना नहीं रहता, ये दिमाग में ही हो जाता है, 5 का इसी तरीके से आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 × 20%, तो 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 कितना आ जाएगा, ये हमारा 20% कहाँ निकालना है, ये हमारे पास 10% निकालना है, सेलिंग प्राइस पे 10% निकालना है, तो 10% का मतलब 10/100, इसका मतलब 1/10, तो 5 का 1/10 मतलब 1/2, 1/2 ज्यादा मतलब 5.5। अब ये जो कॉस्ट प्राइस उसने बढ़ाकर इतनी कर दी है, सेलिंग प्राइस बढ़ा करके उसने इतनी कर दी है, ठीक है, तो अब हमें परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना बताना, कितना होगा, देखो 4.8 अब कॉस्ट प्राइस की तरीके से काम कर रहा है और सेलिंग प्राइस काम कर रहा है 5.5 की तरीके से, ठीक है, कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 15, 8, 7 ज्यादा है तो 0.7 ज्यादा है, कितने में से ज्यादा है, 4.8 से ज्यादा है, तो 4.8 हो गया, इंटू परसेंटेज में निकालना, तो ये 100 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, इसको इसके साथ कट करेंगे तो ये हो जाएगा 700/48, अब इसको इंटू कर लेते हैं तो 40 मतलब 90 के आसपास से आएगा, तो एक बार जाएगा तो एक ये चला गया, कितना बचा, 70 से 48 माइनस करेंगे तो 70 से अगर 40 माइनस होता है तो कितना आएगा, लगभग 30 के पास आएगा, फिर उसके बाद 8 और माइनस होगा तो 22 आएगा, तो 22 ठीक है, 22 समथिंग आएगा, क्या 22 समथिंग है, 220 आएगा, फिर 48 को कितनी बार जाएगा, ये 5 बार करेंगे तो 5, 5 को 20 और 5 40 4 कैरी भी आएगा, तो 5 बार तो ये जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 14.6 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर, ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 5 नंबर इज 85.8 देन द फिफ्थ नंबर इज, हमें फिफ्थ नंबर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसी को ही हम लेट कर लेते हैं, ये फिफ्थ नंबर है, ये एक्स है, ठीक है, अब हमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा हमने ये बता सकते हैं, ये जो क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन बनने वाली है वो सम में बनने वाली है, आप पूछोगे कि सम क्या है, तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज का ये फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो सम इक्वेशन बनेगी वो किस में बनेगी, एवरेज इंटू नंबर में बनेगी, इसको ट्रांसपोज कर लोगे यही आ जाएगा, अब सम में इक्वेशन बनेगी, एवरेज हम ये मान लेते हैं कि ये कितना है, फिफ्थ नंबर जो है वो एक्स है, तो अब ये पढ़ो लाइन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर, ठीक है, अगर फिफ्थ नंबर एक्स है तो फर्स्ट फोर नंबर का एवरेज कितना होगा, फर्स्ट फोर नंबर का एवरेज कितना होगा, आप बोलोगे 3x होगा, ठीक है, एवरेज सॉरी एवरेज नहीं ठीक तो है, चलो ठीक है, क्या कह रहा है, ये फिफ्थ नंबर है ना, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर क्या है, 3 × 5th number दैट इज 3x, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर क्या हो गया, 3x हो गया, ठीक है, अभी अगर सम में इक्वेशन बनाते हैं तो किस में बनेगी, फिफ्थ नंबर को देख करके ही तो बनेगी, तो फिफ्थ नंबर को देख करके बनेगी, तो फिफ्थ नंबर तक का जो सम होगा उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, उसकी ये इक्वेशन बनेगी कि एवरेज, एवरेज किसका, फोर नंबर का, एवरेज फोर नंबर का कितना है, 3x है, और क्या करेंगे, नंबर से इंटू कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इंटू कर देंगे, तो 3x क्या था, फोर नंबर का एवरेज था, तो इसको 4 से इंटू कर दिया, तो हमारे पास ये बेसिकली किया है, तो हमारे पास सम आ गया है फोर नंबर का, ठीक है, देन जो फिफ्थ नंबर होगा वो x होगा, तो ये पूरी टोटल वैल्यू, अभी आपको ये क्या देखने को मिल रही है, ये चीज देखने को मिल रही है कि सम फिफ्थ नंबर तक का, ठीक है, सम फिफ्थ नंबर तक का, ठीक है, अभी आप ये बताओ कि आगे क्या लिख सकते हैं, लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ फाइव नंबर, एवरेज ऑफ फाइव नंबर कितना दिया गया है, 85.8 दिया गया है, ठीक
ठीक है, और नंबर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो 5 नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 5 आ गया। आई होप समझ में आया होगा, ये इंटू कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 और ये 13, 13 13 ये नीचे आ गया और ये 10 हो गया, 10 हो गया, ये 2 कट जाएगा, फिर इसको ये 2 से कट कर देगा, 2 से कट करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9 अपॉन 13, फिर इसको कट करोगे दैट इज 33 आ जाएगा, 39 39 मतलब 33, जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो, बट समझाने के लिए मैंने इस वाले फॉर्मूले से बिल्कुल बेसिक से बता दिया है। इक्वेशन बनेगी सम में, ठीक है, सम कौन सा, ये वाले सम से, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर यहाँ लगा है, एवरेज इंटू नंबर यहाँ लगा है, बाकी देख लेना। सम में हमने इक्वेशन बनाई है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी इनकी सबके शॉर्ट ट्रिक्स भी आती हैं, बट वो पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा, बट अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट दिया हुआ है, टू बॉटल्स ऑफ सेम कैपेसिटीज, सेम कैपेसिटी है, ठीक है, 35% एंड 33 1/3% फुल ऑफ ऑरेंज जूस रिस्पेक्टिवली, दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली विद एप्पल जूस, ठीक है, एंड देन कंटेंट एंड द कंटेंट ऑफ बोथ बॉटल आर इम्पटीड इन टू अनदर वेसल, ठीक है, देन द परसेंट ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर इज, तो हमें मिक्सचर निकालना है जो एप्पल जूस का है। किया क्या गया है, एक हमारे पास एक ये कंटेनर है, एक ये बॉटल है, कंटेनर क्या बॉटल की बात हो रही थी, यहाँ पर 33% जो है वो दिया गया है, वो दिया गया है हमारे पास, क्या था, जूस था, ऑरेंज जूस था, 33% जो ऑरेंज जूस है, और लास्ट में हमें एप्पल जूस का मिक्सचर पूछ रहा है, तो यहाँ पर एप्पल की ही अगर बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो एप्पल की अगर बात करते हैं तो 35% तो हमारे पास ये दिया है ऑरेंज जूस, एप्पल जूस यहाँ पर कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर यह दिया हुआ है 65% एप्पल है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 66 1/3 है, तो 2/3% इसमें इतना एप्पल है और इसमें इतना एप्पल जूस है, तो आप बताओ इन दोनों को एक मिक्सचर में डाल दिया गया है, ठीक है, इन दोनों को एक मिक्सचर में डाल दिया गया, देन यहाँ पर हमें बताना है कि एप्पल जूस कितना है, परसेंट कितना है, एप्पल जूस का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो बेसिकली करने के वाले आप बोलोगे 65 और प्लस 66 2/3 को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, यही तो होगा इनका जो मिक्सचर आएगा, तो ये जो वैल्यू होगी 65 और 66 2/3 ये किसके बीच में लाई करेगी, तो ये आप बताओ कि 65 के बीच में लाई करेगी, 65 से कुछ ज्यादा होगी, तो दैट इज हमारा जो ऑप्शन बनने वाला है वो डी ऑप्शन बनने वाला, नहीं तो इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो आप यहाँ से आंसर टिक कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 21, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ 1/x² प्लस 1/y², ठीक है, अभी यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपका होमवर्क है कि ये कहाँ से आया है, इसको देखना है, प्रूफ करना तो आपको आता होगा, मतलब आता क्या, थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो हो जाएगा, नहीं होता है तो बताना कमेंट सेक्शन में। चलो ये फॉर्मूला होता है, अभी यहाँ पर बताओ आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर ये वैल्यू दी गई है तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 21 पुट करोगे, यहाँ पर 7 पुट करोगे, 21 अपॉन 7 करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगी। अभी इस इक्वेशन को देखो और अभी जो ये निकाला इस इक्वेशन को देखो, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को माइनस कर दो तो माइनस कर देंगे तो 2xy आ जाएगा, तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, x और y की अलग अलग वैल्यू निकालने वाले हैं, नहीं तो एक और तरीका है, क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू उसके बाद निकाल लेंगे, फिर हमें पास यहाँ पर एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की भी वैल्यू पता चल जाएगी, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये करते हैं तो एक्स ये आ जाएगी हमारी 4, ये आ जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है,
फिर उसके बाद अगर हम क्या करें, वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, वैल्यू अगर 2 पुट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की आप बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर अभी अभी हम क्या करें, हमें अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या पता है, 4 पता है। आप बोलोगे बिल्कुल 4 पता है, इसको डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों किया है। अब इसको अलग अलग करोगे तो यहाँ पर 1/y² आ जाएगा, इसको अलग करोगे तो 1/x² आ जाएगा, और यहाँ पर 5/x²y² दैट इज वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, तो 5/4 आ गया। तो ये 5/4 आ गया, तो इसका मतलब जो आंसर हमें आ गया है, जो हमें निकालना था वो आ गया है हमारे पास 5/4। आई होप समझ में आया होगा, सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया होगा, इफ जेड इज द एच सी एफ ऑफ एक्स एंड वाई देन वॉट इज द एच सी एफ ऑफ एक्स अपॉन जेड एंड वाई अपॉन जेड। तो जब भी इस तरीके का फॉर्मूला ये चीज निकालनी होती है एच सी एफ, तो न्यूमिनेटर में हम एच सी एफ ढूंढते हैं और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ढूंढते हैं, और जब इसका उल्टा होता है एलसीएम निकालना होता है इसका, तब हम न्यूमिनेटर में एलसीएम ढूंढते हैं और एच सी एफ और डिनोमिनेटर में एच सी एफ ढूंढते हैं। तो अभी हमें एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ ऑफ एक्स अपॉन जेड और y अपॉन जेड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एच सी एफ ढूंढेंगे x और y का, और एलसीएम ढूंढेंगे किसका, z का। ठीक है, z कॉमा z जब लिख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो एच सी एफ ऑफ x और y कितना दिया हुआ है, z दिया गया है, और एलसीएम z कॉमा z क्या होगा, अब बोलोगे z ही होगा, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो जो हमारा आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, d ऑप्शन। क्या पूछा था, एच सी एफ ऑफ दिस, तो ये हो गया। गिवन क्या था, एच सी एफ ऑफ एक्स एंड वाई ये गिवन था, तो दैट इज हमने वहां पर जेड वैल्यू रख दी, कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया 1। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ 7 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इज इक्वल टू 2, ओके, देन जो ए की वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या कर रहे, वैल्यू पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या, अगर 45 पुट करते हैं तो 7 अपॉन 4 हो जाएगा, नहीं 2 होगा, माइनस 1/2 होगा, प्लस 1/√2, √2 होगा तो आएगा ही नहीं, √2 में कुछ भी √2 होगा तो 2 नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो क्या रखनी पड़ेगी, कि साइन मतलब कि 30 रखनी पड़ेगी, a की वैल्यू 30 रख के देख लो, तो 7/4 माइनस 3/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, बिल्कुल यहाँ पर 2 पे आ रहा है, यहाँ पर तो 2 आ रहा है, इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो कितनी है, वो 30 है, तो 30 यहाँ पर रखेंगे तो sec 60 की वैल्यू होती है 2 प्लस cot 60 1/√3 अपॉन cosec 60 2 अपॉन √3 sin 60 का उल्टा, देन उसके बाद यहाँ पर √3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 प्लस 1 और ये आ जाएगा 5, तो नीचे आएगा 5 ऊपर आएगा 2√3 प्लस 1, तो दैट इज जो बी है वो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी वॉकिंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डी डेज, वॉकिंग अलोन ए टेक्स 8 प्लस डी डेज एंड बी टेक्स 18 प्लस डी डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क, ए वर्क्स फॉर 4 डेज, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई बी अलोन। जो बी बी वर्क है बी अकेले कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है। तो जब भी इस तरीके का हो कि ए करता है 8 प्लस डी डेज में और बी करता है हमारा 18 प्लस डी डेज में, और ए प्लस बी मिलकर करते हैं डी डेज में, तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू है मतलब ए प्लस बी की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1/√18 × 8 से कितनी आएगी, 18 × 144 और ये 12 आ जाएगी, जो d की जो वैल्यू है वो 12 हो गई, और कैसे आई 12 वो भी बता देता हूँ, ये डायरेक्ट इस तरीके से ये ट्रिक है इसकी, ट्रिक क्या है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है उसी से ही निकल के आया है। देखो चलो पहले क्वेश्चन बता देते हैं फिर ये बताते हैं ये कहाँ से आया ये 12। ठीक है, तो अभी ये d अगर 12 है तो a कितने दिन में किया होगा, 8 बढ़ा करके 20 दिन में, b कितने दिन में किया होगा, 18 बढ़ा करके 30 दिन में, b के अलोन बताना है तो इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालना बताया था, मतलब कि ए 20 दिन में अगर चेयर बनाता है, सी 30 दिन काम करता है, ठीक है 30 डेज वर्क करता है,
इनका एलसीएम मतलब कितनी चेयर बनाएगा, 60 चेयर बनाएगा। तो एक दिन का काम निकाल लो, एक दिन का काम हो गया दैट इज 3 और इसका हो गया 2, ये हो गया वन डे वर्क या इफिशियंसी। अभी हमें निकालना है ए वर्क्स फॉर 4 डेज, ए 4 दिन काम करता है, तो ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो 4 दिन में कितनी बनाएगा, 12 बनाएगा, और 60 में से 12 अगर बना चुका है तो 48 बचेगी। 48 बी के बाद आता है, तो 48 बी मतलब बी जो है 48 चेयर बनाएगा कितने दिनों में, तो क्या करेंगे इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, 2 कर देंगे, दैट इज 24 आ गया। अभी यहाँ पर जो आंसर आ गया वो सी ऑप्शन आ गया, 24। अभी ये देखो कि ये कहाँ से आया है, ये जो हमने 12 निकाल दिया है ये कहाँ से आया, ये बेसिकली हमारा कौन जो अगर बेसिक से करते थे, बेसिक से अगर करेंगे तो हमारा डायरेक्ट ये चीज समझ में आ जाएगी। कैसे किया है हमें, क्या इक्वेशन बनाते हैं, 8 प्लस डी डेज में ये करता है ए, और बी करता है 18 प्लस डी डेज में, तो कंप्लीट होता है 1/d डेज में, यही तो इक्वेशन बनेगी। सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 26d और ये 18 144, ठीक है, इसको करेंगे तो आएगा ये 2d प्लस 26 इज इक्वल टू 1/d, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 2d स्क्वायर आ जाएगा प्लस 26d आ जाएगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 26d आ जाएगा प्लस 144 आ जाएगा, ठीक है, 26 से 26 कट गया, ये उधर चला गया, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ जाता था, तो डी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 144, तो वही चीज हमने यहाँ पर किया दैट इज 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है वो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर करने से आई है, तो ये याद रखना है, जब भी इस तरीके का आ जाए तो डायरेक्ट क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं जितना इतना इसमें बढ़ करके आ रहा है डी से। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 24 ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन क्लास वॉज 58.4 kg व्हेन 5 स्टूडेंट हैविंग द एवरेज वेट 62.8 kg ज्वाइन द क्लास द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास इंक्रीज बाई 0.55 kg द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द क्लास, हमें इनिशियली बताना है कितने स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर अगर सम में इक्वेशन बनाए तो क्या आएगी, वही फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर अगर बनाते हैं सबसे पहले तो इतने स्टूडेंट हैं, वेट कितना है, एवरेज वेट 58.4, कितने स्टूडेंट का अभी नहीं पता है तो ये एक्स हो गया, प्लस कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आके जुड़े हुए, कितने जुड़े हुए, 62.8 जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी सम में बात कर रहे हैं तो नंबर से इसको इंटू करना पड़ेगा, तो कितने नंबर 62.8 कितने स्टूडेंट का है, 5 स्टूडेंट का, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया अभी अभी तक का ये सिनेरियो। देन हुआ क्या है, जो एवरेज है वो कितना बढ़ गया है, 0.55 बढ़ गया है, तो पहले था 58.4 अभी हो गया है 0.55 बढ़ गया है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, पहले एक्स थे अब 5 और बढ़ गए हैं, आज और बढ़ गया तभी तो 0.55 बढ़ गया, तो इतना बढ़ गया है कब, जब x प्लस 5 स्टूडेंट और बढ़ गए, तो ये इक्वेशन बनेगी सम की। इंटू कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये तो यहाँ पर ये आ गया x, यहाँ पर करेंगे तो ये होगा 40 और ये हो गया 10 और ये होगा 14, हंसे लगे 1 और ये हो गया 31 इज इक्वल टू, इसको अगर इंटू कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 58.95 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। इसको अगर उधर ले जाते हैं, इसको इंटू करके इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पर आएगा 0.55x, और इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो 314 हो गया, माइनस इसको इससे इंटू कर लेते हैं 5 को, तो 5 को कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, 2 कैरी, फिर आएगा हमारा यहाँ पर दैट इज 9 45, 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा दैट इज 9 और ये 29, ठीक है, तो यहाँ पर 29 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट कितने बाद लगेगा, 2 पॉइंट बाद लगेगा, ठीक है, 2 पॉइंट बाद लग गए, माइनस कर लेते हैं इन दोनों को, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 10 75, मतलब कि इधर से तुम्हारा 25 बचा और इधर हो गया तुम्हारा 214 13, तो यहाँ पर 0.91 ये आ गया, यहाँ पर 0.55x आ गया। अब इनको फिर कट कर लेते हैं, फिर कट करोगे तो यहाँ से पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 1 9
25/55, ये आ गया। 11 से कट हो रहा है, बिल्कुल 11 से कट हो रहा है, तो ये 5 हो गया। 11 से कट करोगे तो यहाँ पर आएगा 1 11, ये हो गया 82, तो ये हो जाएगा 7 टाइम, फिर ये जाएगा तुम्हारा 5 टाइम, ठीक है। 5 से इसको कट कर लोगे तो 5 3 ज़ा, और ये आएगा तुम्हारा 35, तो जो बी है वो राइट ऑप्शन बनेगा। जो 35 है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इनिशियली। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। इक्वेशन बनाई है हमने सम में, बस सम का ध्यान रखना है, सम वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि किसका फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए के होल ऑफ क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगी -1, -1 का होल ऑफ क्यूब दैट इज -1। यहाँ पर जो ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम एज टाइम टेकन बाई इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। बिल्कुल यहाँ पर एक जो अच्छा पॉइंट ये बोल दिया है कि यहाँ की सेम टाइम पे, जब यहाँ पर टाइम सेम होता है तब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, ठीक है। तो अभी हमने यही करना है। अभी यहाँ पर जो डिस्टेंस की बात करें, ये 13 और ये 7 में है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड जो होगी वो 13:7 में ही हो जाएगी, ठीक है। ये अप स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर बात हो रही है अप स्ट्रीम की, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी एक्स प्लस 3, स्ट्रीम की कितनी है 3 हो, ठीक है, और ये हो जाएगी x माइनस 3 दैट इज 13/7। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 7 माइनस 13 दैट इज 6x, और ये हो जाएगी तुम्हारी 13 13 7 20 20, और 3 20 3 60 60, मतलब x की वैल्यू जो आ गई वो 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। अभी निकालना है कितना कितना टाइम लग रहा है, तो 4.8 किलोमीटर की किलोमीटर जाएगा कितने की स्पीड से, 10 की, इन स्टील वाटर में पूछ रहा है, तो 4.48 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो 4.48 दैट इज ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अ सिलेंडर वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हाइट 42 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर इज इट्स कंटेंट आर इम्पटेड इनटू अ रेक्टेंगुलर हब ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 44 सेंटीमीटर हाइट इन सेंटीमीटर टू विच द वाटर राइजेस इन द ट्यूब इज। तो हमें यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर पहले तो सिलेंड्रिकल वेसल था, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर पे रखा गया, तो यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच ये होता है तुम्हारा रेक्टेंगल का वॉल्यूम का, और पाई आर स्क्वायर एच होता है तुम्हारा सिलेंडर का। तो ये तुम्हारा 30 और 42, और ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 22/7, 30 इंटू h की वैल्यू है हमारी 42। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये 6, और ये हो गया पूरा 30 से पूरा 30 कैंसिल आउट हो गया, कुछ गलत हो गया भाई, 30 और 42 रेक्टेंगुलर, ये तुम्हारा यहाँ पर गलत, ये वैल्यू पुट कर दी, वैसे पुट कर देते हैं, ये एल की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर दी हुई 75 और बी की दी है 44, और यहाँ पर ये एच हो गया इज इक्वल टू 22/7, और आर की वैल्यू तुम्हारे पास 30 × 30 और × 42 ये दी गई है। अभी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 22 से कट करोगे तो 22 2 ज़ा हो जाएगा, और ये करोगे तो तुम्हारा ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तो तुम्हारा ये 3 हो जाएगा, और h की वैल्यू इधर ले आओगे तो अभी 75 को भी कट कर लो इसको, तो ये 3 से कट करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा 2 और 5, ये 3 से कट हो जाएगा, फिर 25 से करोगे तो फिर ये 5 और ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ से करोगे मतलब h की वैल्यू अल्टीमेटली 36 आ गई, h की वैल्यू जो आ गई वो 36 आ गई, यहाँ पर हमें वही निकलना था। आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए जो भी आपके मेंसुरेशन में आता है, सी जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर सबसे सरल क्या होगा,
अंडर रूट से अगर बचना है, अंडर रूट से वैसे भी बच जाएंगे, नीचे का अगर ध्यान रखें तो यहाँ पर 1 1, तो इसका मतलब है एक ही वैल्यू रख दो 45, एक ही वैल्यू 45 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1/2 अपॉन नीचे आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगी 1/8। 1/8 कहाँ पर रखने पर आएगा, तो 1/2 45, तो 6, तो यहाँ पर ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है इफ द एवरेज प्राइस ऑफ 3 शेयर इज 1/4014 एंड देयर प्राइस आर रेशियो 3/4/7, हाईएस्ट प्राइस बताना किसका होगा, ठीक है, इन शेयरों में से हाईएस्ट प्राइस। तो अभी अगर हम देखें एवरेज, अगर ये दिया हुआ है तो अगर हम सम निकालें, एवरेज अगर ये दिया गया है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो यहाँ पर सम का जो आ जाएगा फॉर्मूला दैट इज आ जाएगा एवरेज इंटू नंबर, ये बार बार बताया है, दैट इज 1/4014 × 3 कर देंगे तो ये सम आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ जो 3 चेयर की बात हो रही है उस वो आ गया, ठीक है। अभी ये 3 चेयर है वो किस रेशियो में, इस रेशियो में है, तो इसका मतलब है 3x + 4x + 7x, दैट इज ये बनेगा, तो इसका मतलब है 14x मिलके आएगा 1/4014 × 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4014 × 3/14। अभी हमें बताना है सबसे हाईएस्ट प्राइस किसका होगा, तो 7 वाली का होगा, तो 7 मतलब 7x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से 7 से इंटू कर देंगे, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर जाएगा 01, तो मतलब 21 021, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 6%, 15% एंड 14%, तो बिल्कुल पहले इन दोनों के लिए निकाल लेंगे, फिर जो आएगा फिर उसके लिए इसके लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला के ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, डिस्काउंट की बात हो रही है तो सब साइन के साथ लगेंगे, मतलब माइनस साइन के साथ लगेंगे, -6 -15 + 90, 90 तो यहाँ पर आ जाएगा 9.9, ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज आ जाएगा तुम्हारा 21 21, मतलब -20.1, -20.1 ये आ गया। अब इसको इसके साथ कर लेंगे 14 के साथ, तो -20.1 + -14 + यहाँ आ जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा 28, और ये एक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर एक के बाद ये पॉइंट आ गया, ठीक है, नहीं एक ही पॉइंट पॉइंट, फिर दो के बाद पॉइंट, क्योंकि अपॉन 100 भी तो होगा, तो यहाँ पर इसके बाद पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट हटा देते हैं। फिर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा तुम्हारा 34, मतलब 31 के आसपास आएगा, 31 के आसपास आएगा, तो यहाँ पर ए जो है वो राइट ऑप्शन है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 31.286 -1, ठीक है, ये आंसर। अब यहाँ पर आंसर दूर दूर थे तो इसीलिए यहाँ पर इजी हो गया डिटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब भी इन तीनों को अगर ये आ जाए तो हमेशा एक चीज याद रखो कि ये जो होंगे वो एक नंबर होता है वो ये तीनों डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1001 को, कैसे कर देंगे देखना जाके, ये कर दो, ये भी ये जो नंबर है इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड होगा, बेसिकली एलसीएम की तरीके काम करता है। अभी देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इस तरह, अगर ये इस तरीके से होता 5 6 2 5 6 2, मान लो ये है, ठीक है, ये है क्या, ये है ही है, ठीक है, कैसे, अभी देखो बताते हैं। अगर इन तीनों से डिविजिबल है, और हमने बताया कि ये जो नंबर है ये इन तीनों से डिविजिबल होता है, ठीक है, अब इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 5 6 2 0 0 0 3 0 + 5 6 2, इस नंबर को हम ये लिख सकते हैं, फिर इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 5 6 2 और 1000 + 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 6 2 × 1001, ठीक है, तो सेम चीज वही आ गई। अब उल्टा जाएंगे तो क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर था वो ये था एक्चुअली में, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू जो है वो कितनी है 5, और z की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, उठा करके वैल्यू यहाँ पर रख दो तो 6 5 6 - 5 और ये हो गया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज 7। आई होप समझ में आया होगा, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।